जब भी हम किसी कार में सेफ्टी की बात करते हैं, उसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, लुक्स की बात करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की, तो जर्मन कार सबसे पहले हमारे दिमाग में हिट करती है कि यार इन कार से बेटर कोई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया की एक ऐसी कंपनी इवॉल्व होके आई है जो इन सारे पैरामीटर्स को टिक करती है, सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार है वो है टाटा की टाटा एल्ट्रॉज रेसर। तो चलिए समझते हैं इस कार को, इस कार में हमें क्या क्या चीजें ऑफर की गई है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कार के डिजाइनिंग में। यहाँ पर आपको ये कार ड्यूअल शेड में ऑफर की जाती है। ये पर्टिकुलर कलर जो हमारे पास है, दिस इज ऑरेंज विद ब्लैक। यहाँ पर दो कलर ऑप्शंस और हैं जो आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एल्ट्रॉज में एड ऑन में आपको यहाँ पर ये लाइन्स दिखाई देंगी जो आपको हुड पे दी गई है, और आपके टॉप पे भी इनको कैरी ऑन किया गया है। फ्रंट में हम लोग बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा ऑफर किया जाता है। हेडलैम्प्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर एंड प्रोजेक्टर का कॉम्बिनेशन ऑफर किया गया, और यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। नीचे के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प दिया गया है अलॉन्ग विद अ DRL। इस कार में आपको तीन वेरियंट्स ऑफर किए जाएंगे, R1, R2 एंड R3। R3 आपका टॉप मोस्ट वेरियंट है। जो बाकी वेरियंट्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हट जाएंगी और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो देखेंगे कार के इंटीरियर में। उससे पहले देखते हैं कार का साइड प्रोफाइल। आइए कार के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूअल शेड में अलॉयज ऑफर किए गए हैं, ग्रे एंड ब्लैक का यहाँ पर आपको यूज दिखाई देगा। 16 इंच इनका साइज है। टर्न इंडिकेटर आपको साइड में दिया गया है। कार की डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेंथ आपको ऑफर की गई है दैट इज़ 3.9 मीटर्स, कार की जो ब्रॉडनेस है दैट इज़ अराउंड 1.7 मीटर्स, और जो यहाँ पर आपको हाइट दी गई है दैट इज़ 1.5 मीटर्स। व्हील बेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2.5 मीटर्स का व्हील बेस ऑफर किया गया, और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं इस कार की तो ये है आपकी 165 mm। ORVM में आप यहां पर कैमरा नोटिस करेंगे, दैट मींस इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिलने वाली है। जो रूफ है आपका, ये आपका ऑल ब्लैक है। आपका जो रियर में ओपनिंग है वो आपको दी गई है यहां से। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर दिए गए हैं, और यहां पर आपको ड्राइवर साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर और मैनुअल की ऑप्शन भी मिल जाते हैं। कार की बात करते हैं तो की है आपकी कुछ ऐसी, जिसमें सबसे ऊपर आपको लॉक कंट्रोल दिया गया है, सबसे नीचे आपके पास अनलॉक है। ये आपका बूट ओपनिंग के लिए है। ये कंट्रोल आपका फॉलो मी लैंप्स के लिए है, अगर आपकी कार पार्किंग वगैरह में है तो आपको बहुत इजीली इसकी हेल्प से मिल जाएगी गाड़ी। पीछे के साइड में आप देखेंगे तो आपको टाटा का लोगो दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लैक पियानो फिनिश का यूज दिखाई देगा। सुंदर की है, और ये आपकी रेगुलर की है जो आपको टाटा की मैक्सिमम कार्स में मिलती है। कार के बैक प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल न्यू स्पॉयलर दिखाई देगा जो काफी स्पोर्टियर डिजाइन किया गया है। नीचे के साइड में आपको कैमरा नोटिस में आएगा, पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं, LED टेल लैंप्स आपको दिए गए हैं, और ये है आपके टर्न इंडिकेटर्स। आप नोटिस करेंगे आपको यहाँ पर डिफॉगर ऑफर किया जा रहा है अलॉन्ग विद द वाइपर, और ये है आपकी बैक लाइट। 345 लीटर्स का आपको बूट स्पेस ऑफर किया जाता है यहाँ पर, और जो आपकी रियर रो है ये आपकी फ्लैट फोल्ड हो जाती है। रियर सीट में भी आपको ये डिजाइनिंग दिखाई देगी, लेदर अपहोल्स्ट्री का यहाँ पर यूज किया गया है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, और उसके नीचे आपके पास USB पोर्ट है। बैक साइड में आपको यहाँ पर दो हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। सेंटर में हमारे पास हैंडरेस्ट है जिसमें कोई भी आपके पास कप होल्डर नहीं है। कार के इंटीरियर में आप डैशबोर्ड को अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स नोटिस में आएंगे। एक ही आपको टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है, ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ दिखाई देगा, थोड़ा सा ये डिफरेंट ग्रे शेड का यूज़ किया गया है, नीचे के साइड में ब्लैक का यूज़ किया गया है, ऑरेंज कलर का यूज़ आपको दिखाई देगा स्पेशली रेसर के अंदर। 10.2 इंच का आपको इंफोटेनमेंट ऑफर किया जाता है, और 7 इंच का आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंफोटेनमेंट में हमारे पास एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों ऑफर किए जाते हैं। AQI आपको दिखाई दे रहा है, कार में आपका AQI मेंटेन किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ये जीरो था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा फिर से ड्राइव किया तो मतलब ये जीरो तक भी चला जाता है। ओपन सनरूफ, ओके ओपनिंग सनरूफ। यहाँ पर आपके पास एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कनेक्टेड कार फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका रिमोट कमांड्स हैं आपके, मींस आप अपने फ़ोन से ही अपनी कार को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। रिमोट हॉर्न आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। डिस्टेंस टू एम्प्टी चेक आप कर सकते हैं, और अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर एलेक्सा है, जिसमें आपके घर में जितने भी एलेक्सा कनेक्टेड डिवाइसेज हैं उसको आप अपनी कार से पेयर करके और ऑपरेट कर सकते हैं गाड़ी में से ही। उनको ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, वो भी आपका यहाँ से काम हो जाएगा। लाइव व्हीकल डायग्नोसिस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में हमारे पास जियो फेंसिंग, वैले मोड, शेयर लोकेशन, ये सारे कंट्रोल भी आपको दिए गए हैं।
360 डिग्री सराउंड व्यू आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, जिसमें आप क्लैरिटी देख सकते हैं कैमरा की, आपको इस टाइप की क्लैरिटी मिलने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करेंगे तो ये आपको फुल ऑन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप अपनी बहुत सारी रीडिंग्स को देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल, डिस्टेंस, टाइम, आपकी स्पीड कितनी है, आपका RPM कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। स्टीयरिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग ऑफर किया जाता है, बहुत लाइट साइड पे है ये, लेकिन जैसे ही आप रेव करेंगे स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी गाड़ी की, तो ये आपका प्रॉपर रेसिंग कार की तरह एक्ट करेगा, ये थोड़ा आपका स्टिफ साइड पर चला जाएगा। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे कमांड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर आप मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। ऑरेंज बेजल्स को आप बहुत नोटिस करेंगे यहाँ पे अराउंड द एसी वेंट्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेंटर में आपका जो ट्रांसमिशन है उसके अराउंड भी आपको दिया गया है। जो हमारा सीट कवर है यहाँ पर भी आपको ऑरेंज कलर का यूज़ दिखाई दे जाएगा, ऑरेंज स्टिचिंग दिखाई दे जाएगी, जो रेसर की पहचान है। एसी कंट्रोल आपको यहाँ दिया गया है, ये आपकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, और जो इसका डिस्प्ले है ये आपको मिलेगा ऊपर आपके इन्फोटेनमेंट में। आप स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये सारे डिस्प्ले आपके इंफोटेनमेंट में आपको दिखाई देंगे बहुत क्लियरली। नीचे की साइड आप मूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, यू हैव दिस USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, और नीचे के साइड में आपको वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, और जिसमें आप अपने, जैसे सपोज़ मैं अपने ये फ़ोन को रखती हूँ तो ये आपको प्रॉपर उसमें शो करेगा वायरलेस चार्जिंग ऑन। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। Altroz रेसर आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगी। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको सेंटर में हैंड रेस्ट दिया गया है जिसके अंदर आपको छोटा सा स्पेस भी ऑफर किया जाता है। ट्विन कप होल्डर का स्पेस आपको यहाँ दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको डिसेंट साइज़ नहीं, बहुत बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है। साइड में हमारे पास जो पॉकेट्स हैं वो आपके बॉटल होल्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऊपर के साइड में ये आपका ग्रैब हैंडल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। लॉक अनलॉक हैंडल्स हैं यहाँ पर, ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश में दिए गए हैं। जो आपके विंडो कंट्रोल हैं ये आपके चारों पावर विंडो आपको मिलती है, और जो हमारी ड्राइवर साइड वाली विंडो है ये आपको सिंगल टच अप एंड डाउन कंट्रोल के साथ मिलेगी। ORVM कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये हमारा R2 वेरिएंट, जिसके अंदर सब चीज़ें हैं। आप नीचे वाले वेरिएंट में कुछ चीज़ों को मिस आउट करेंगे, जो सबसे मेन चीज़ें आपको बता देती हूँ, जो हमें R3 में मिल रही है लेकिन R2 में नहीं मिलेगी, वो है वेंटिलेटेड सीट्स, जो आपको नहीं मिलने वाली R2 में। आयरा भी आपको नहीं मिलेगा, जिसकी हेल्प से मैंने आपको बताया कि आपके पास एलेक्सा कनेक्टिविटी है, आप अपना फ़ोन का लोकेशन वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं अपने व्हीकल को, वो चीज़ आपकी हट जाएगी। अगर आप जाते हैं उससे फर्दर नीचे वाले वेरिएंट के ऊपर R1 में, तो जो हट गया चीज़ें वो तो हट ही गई हैं, R2 में जो है वो भी आपको गायब मिलने वाली है, प्लस एड ऑन में आपके पास सनरूफ भी नहीं होगा। बाकी अब चलते हैं कार से बाहर और देखते हैं इसके इंजन में हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। कार की सेफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कार आपकी अल्फा आर्किटेक्चर के ऊपर डिज़ाइन की गई है, जिसकी वजह से इस कार को 5-star रेटिंग मिलती है। NCAP 5-star रेटेड व्हीकल है ये, और ये ओनली व्हीकल है इस कैटेगरी में जिसको 5-star रेटिंग दी गई है। इसके एड ऑन में आपको यहाँ पर 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड हैं, जो आपको बेस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ABS, EBD, ESP सारी चीज़ें लोडेड हैं यहाँ पर, तो सेफ्टी वाइज टाटा की Altroz रेसर के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। Altroz रेसर आपको सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन के साथ मिलती है। यहाँ पर 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है, जो आपको पावर देता है 120 हॉर्स पावर की, और जो आपको टॉर्क मिलता है वो आपको मिलता है 170 न्यूटन मीटर का। जो टॉर्क आपको बता रही हूँ ये आप वाइड रेंज ऑफ RPM पे अचीव कर लेंगे, जो आपका स्टार्ट हो जाता है 1700 से एंड इट गोज़ अप टू 4000 RPM। अगर आप इसका डिटेल में समझना चाहते हैं, इसका देखना चाहते हैं कि हमने इस गाड़ी के साथ क्या धमाल मचाया है, तो बहुत जल्दी इसका ड्राइव वीडियो आने वाला है, जिसमें हमने बहुत 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 कार के साथ टेस्टिंग की है, जो आपको बहुत क्लियर कट क्लैरिटी देगी कि टाटा ने इस बार क्या नेक्स्ट लेवल चीज़ बनाई है। मज़ा आ जाएगा आपको। बाय।